जिस प्रकार से हम रैली निकालने वाले थे, ये रैली बहुत गजब की रैली होने वाली थी, ऐसे मुंबई में कभी नहीं होती। जो भी कारण उन्होंने दिया और एक बार हमने पार्टी को पीछे रखा और देश के सांप्रदायिकता के पुलिस के जो प्रॉब्लम थे उसको आगे रखा। लेकिन मैं आपको ये चुनौती लेता हूं कि जो आज रैली होने वाली थी इससे बड़ी दूसरी रैली होने वाली है। और फारूक भाई को मैं कहता हूं कि आप अगर ये सोचते हो कि रूरल एरिया में बहुत आगे आप बढ़ जाओगे, तो मैं आपकी चैलेंज को स्वीकृत करता हूं और मुंबई में हम सबसे आगे बढ़ के दिखाएंगे। आप जितना आगे बढ़ोगे मेरे को खुशी होगी और हमें चैलेंज भी होगा कि हम आपसे भी आगे बढ़ के दिखाएंगे। ये देश बदलाव की तरफ आगे है। 2011 में मैं जब इस पार्टी के अंदर आम आदमी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जब मैं जुड़ा था, और याद रखिए मेरे जुड़ने के बाद अन्ना जी जुड़े थे, तो तब से देश बदल गया है। 2011 का भारत और 2015 का भारत एकदम अलग है। आज लोगों के अंदर जागृति आ गई है, आज लोगों के अंदर हिम्मत आ गई है। ठीक है, लोकसभा में उनको बेवकूफ बनाया गया नरेंद्र मोदी ने, बन गए एक बार बेवकूफ। यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। पुलिस वाले कब के बुला रहे हैं, तो मैं एक मिनट सर लूंगा और फिर बंद कर दूंगा। पहले तो एक नारा बना गया, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। तो ये जो देश में बदलाव शुरू हुआ है और दिल्ली ने जो जबरदस्त कार्यक्रम करके दिखाया है, तो हम देश को दिखाना चाहिए कि दिल्ली की पार्टी नहीं है, ये देश की पार्टी है। और जो दिल्ली में काम हुआ है ऐसा काम मुंबई में भी होगा, मीरा भाईंदर में भी होगा, पंजाब में भी होगा, हरियाणा भी होगा। और बीएमसी का 2017 का चुनाव की तैयारी हमें जोर से चालू करनी चाहिए। ये बीएमसी के अंदर एक कागज आप बिना पैसे निकाल के दिखाओ तो मैं मूंछ निकाल दूं। सारा भ्रष्टाचार, चोरी, 33,000 करोड़ का बजट है और वर्ल्ड का 8वां गंदा शहर भारत मुंबई है। अरे ये 33,000 करोड़ अगर हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया तो हमारा वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सिटीज बन जाएगा मुंबई। ये पैसे दे रहे हैं आप और लूट रहे हैं वो सब, तो हम अब कह रहे हैं कि सत्ता जो हम लेंगे वो अपने लिए नहीं लेंगे, हम जनता को सत्ता देने के लिए लेंगे। जनता तय करेगी किधर काम होगा, कितना काम होगा। अगर गटर बनती है, रोड बनता है, तो जब तक जनता सही नहीं करेगी तब तक उसको पेमेंट नहीं होगा कोई कॉन्ट्रैक्टर को। ये सारा पावर लोगों को दिया जाएगा, यही स्वराज का मॉडल है। तो मुंबई हम लड़ेंगे दो मुद्दे के ऊपर, 0% करप्शन, 0% भ्रष्टाचार और 100% स्वराज, लोगों के हाथ में सत्ता। जिंदाबाद। लेकिन हम लड़े के नहीं लड़े वो आपके ऊपर निर्भर है। हम कितने मेंबर बनाते हैं, हम कैसी शक्ति बनाते हैं। लड़ाई करने जाए और आर्मी ना हो तो कैसे जीत सकते हैं। सबसे पहले सैन्य बनाना है, मेंबरशिप बनानी है, संगठन बनाना है। और जिस जिस मुद्दे के ऊपर मुंबई त्रस्त है वो मुंबई के मुद्दे हम उठाएंगे। वो बिजली का मुद्दा हो, रोड का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे आम आदमी पार्टी उठाएगी। और 2017 में मुंबई का बदलाव शुरू हो जाएगा। बोलो भारत माता की जय, हिंद कलर जिंदाबाद, जय हिंद। अब राष्ट्रगान करेंगे।